हरे कृष्ण दोस्तों, गाने में एक प्रकार होता है योडलिंग। हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे इस टेक्निक का अभ्यास। योडलिंग ये जो गाने का प्रकार है, ये बेसिकली एल्प्स पर्वतों पर जो शेपर्ड्स रहते थे वो योडलिंग कर गाने गाया करते थे। वेस्टर्न सिंगर्स में योडलिंग करने वाले मशहूर सिंगर्स थे जिमी रॉजर्स, टेक्स मार्टिन। इनके अगर आप गाने सुनोगे तो उसमें आपको काफ़ी योडलिंग के प्रकार मिलेंगे। योडलिंग गायन पद्धति में आपको आपके चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में बहुत जल्द बदलाव करना पड़ता है। यह है उसका टेक्निक। योडलिंग पद्धति से फिल्मी गानों में किशोर जी ने गाए हैं गाने जो बहुत पॉपुलर हैं। किशोर जी में एक खूबी ये थी कि वो दुनिया के अलग अलग प्रांतों के गाने सुना करते थे। उनके कान म्यूजिकली बहुत ही पावरफुल थे। वो सुने हुए गाने हूबहू रिप्रोड्यूस कर पाते थे। उनके कई सारे फिल्मी गीत हैं जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से योडलिंग किया है। ऐसे ही कुछ उनके पॉपुलर गीतों की लिस्ट आगे आप स्लाइड पर देखोगे। वो गाना किस फिल्म का है, किस साल में वो फिल्म रिलीज हुई थी, किस स्केल में रिकॉर्ड हुआ है, और मुख्य करके उस गीत में जो योडलिंग फ्रेजेस हैं जो किशोर कुमार जी ने गाए हुए हैं, वो फ्रेजेस क्या है, इसकी जानकारी भी आगे के चार्ट में दी है। हम बहुत जल्द इसका अभ्यास शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं ये योडलिंग के एक्सरसाइजेस पार्ट बना रहा हूँ। जिन संगीत प्रेमियों को योडलिंग करना पसंद है वो इन एक्सरसाइजेस को कर ज़रूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। 1956 में रिलीज्ड फिल्म न्यू दिल्ली में जो गाना है नखरे वाली, उसमें ये योडलिंग आता है। वो तो कोई और थी जो आँखों से समा गई दिल में, इडली उडलू इडली। वैसे ही इन गानों में भी योडलिंग इस्तेमाल हुआ है। 1958 में रिलीज फिल्म चलती का नाम गाड़ी से हाल कैसा है जनाब का, जो एफ शार्प स्केल में बनाया हुआ है। फिर 1958 में ही चलती का नाम गाड़ी, इसका जो गाना एक लड़की भीगी भागी सी, जो ई स्केल में बनाया हुआ है। और एक गाना 1958 चलती का नाम गाड़ी से है, पाँच रुपया बारह आना, जो एफ शार्प स्केल में बनाया हुआ है। और एक गाना है 1958 का, कभी अंधेरा कभी उजाला, इस फिल्म से सुरमा मेरा निराला, जो ए शार्प स्केल में बनाया हुआ है। 1961 में रिलीज्ड फिल्म झुमरू से मैं हूँ झुमझुम झुमरू, 1961 की ही फिल्म झुमरू से ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। 1962 में रिलीज्ड फिल्म हाफ टिकट से चांद रात तुम हो साथ। 1967 में रिलीज्ड फिल्म ज्वेल थीफ से ये दिल न होता बेचारा। 1971 में रिलीज्ड फिल्म कटी पतंग से ये शाम मस्तानी। 1971 में रिलीज्ड फिल्म अंदाज से जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। 1972 में रिलीज्ड फिल्म मेरे जीवन साथी का चला जाता हूँ। 1972 में रिलीज्ड फिल्म बॉम्बे टू गोवा का देखा ना हाय रे सोचा ना हाय। 1972 में रिलीज्ड फिल्म सीता और गीता का हवा के साथ साथ। इन गानों में योडलिंग बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ है। योडलिंग के अभ्यास में करना क्या होता है, देखिए ये मैं काली एक सा पकड़कर चल रहा हूँ, सा। ये है ध, सारे गम पौध, ये है ध सा ध। अभी ये दोनों स्वर मैं जो गा रहा हूँ ये मैं कंठस्थ आवाज यानि थ्रोट या चेस्ट वॉइस इसको कहते हैं, सा ध, ये चेस्ट वॉइस है। अब ये जो ध है इसको मैं हेड वॉइस यानि शीश आवाज, सा ध। ये जो मैंने ध गाया ये मैंने हेड वॉइस उत्पन्न की, ये
चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस के यॉडलिंग यानी चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में द्रुत गति से बदलाव लाना। सा अभी ये दोनों सा और ध जो है इसको मैं इंग्लिश के वॉवेल्स ए ई जो है इसका इस्तेमाल करता हूँ। अभी सा ध म। अब ध और म ये दोनों स्वरों पर मैं हेड वॉइस निकालूंगा। सा ध म। इसको मैं ए ई उ बोलूंगा। ए से ये यॉडलिंग का अभ्यास किया जाता है, जिसके लिए मैं अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस बनाने वाला हूँ जो मेरे इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आपको सीखने में तो मज़ा आएगा ही, साथ साथ वो यॉडलिंग को जब आप गाने में अप्लाई करोगे तो और आनंद पाओगे।